अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश के नए लेक्चर में खुश आमदीद है। जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आज हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सब लोग अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, जो अपनी बुक है वो भी खोल लें। बुक का पेज नंबर 52 हम पढ़ रहे हैं जी बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली होगी। आइए हम पढ़ते हैं। अब एवरीवन हैड टू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। एवरीवन मतलब हर किसी को हैड टू स्टॉप, रुकना पड़ा। जब भी हैड के बाद टू आएगा या हैव के बाद टू आएगा, तो इसका मतलब है किसी काम को करना पड़े। तो हैव आपको पता है प्रेजेंट के लिए होता है, और हैड जो है वो पास्ट के लिए होता है। तो जब भी हम स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, कोई पुराना वाक्या सुना रहे होते हैं, तो हम पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है और हैड के बाद टू लगा हुआ है। इसका मतलब है हर किसी को रुकना पड़ा, डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के, मतलब कि जो जो कुछ सब कुछ कर रहे थे ना, वो सब कुछ छोड़ के रुक गए। किस लिए? एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। आपको पता है कि लास्ट टाइम वो लगा रहे थे, जो हम लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा, तो अंकल छक्कन पिक्चर लगा रहे थे और उसके हाथ से पिक्चर फिसल गई थी और उसके अंदर से शीशा निकला, जो निकला था वो अंकल छक्कन के हाथ पे लग गया था, हाथ उनका कट गया था। तो उन्हें अपना रुमाल नहीं मिल रहा था, तो उसी की बात हो रही है। एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। रुमाल कोट में था और कोट ढूंढना शुरू कर दिया हर एक ने। डजंट एनीबॉडी इन द होल हाउस। क्या नहीं कोई एक भी, एनीबॉडी कोई एक भी, इन दिस हाउस, इन दिस होल हाउस, इस पूरे घर में, होल का मतलब क्या होता है पूरा, इस पूरे घर में नो जानता, वेयर माई कोट इज, कि मेरा कोट कहाँ है। क्या इस घर में कोई भी नहीं जानता इस पूरे घर में कि मेरा कोट किधर है, वेयर माई कोट इज, यहाँ तक बात कर चुके हैं। ही सैट डाउन, सिट की दूसरी फॉर्म सैट, मैंने पहले बताया पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो सैट सेकेंड फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज होती है। ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गए। एंड स्टार्टेड कम्प्लेनिंग, और शिकायतें करना शुरू कर दी। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। एंड स्टार्टेड कम्प्लेनिंग, और शिकायत करना शुरू कर दी। नेवर डिड आई कम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल ऑफ माई लाइफ। मैं कभी भी नहीं आया ऐसे सेट के साथ। अब सेट का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये है कि ये वाले सारे घर के अफराद, पूरा सेट, इन फैमिली को सेट कह रहे हो। तो मुझे पूरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, इसका मतलब ये करेंगे। ऑल सिक्स ऑफ यू एंड यू कांट फाइंड अ कोर्ट। तुम सब के सब छः और तुम कोर्ट नहीं तलाश कर सकते। यू कांट फाइंड, आप तलाश नहीं कर सकते अ कोर्ट, एक कोर्ट, दैट आई हैड जस्ट पुट डाउन, जो मैंने नीचे रखा है, जो मैंने नीचे रखा था लेस देन फाइव मिनट्स अगो, पाँच मिनट से भी कम पहले, मतलब कि पाँच मिनट से भी कम का टाइम गुजरा है कि मैंने उस कोट को नीचे रखा था, और आप छः के छः मिलकर उसे नहीं ढूंढ पा रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर मतलब बाद, सम कुछ टाइम, देर के बाद, द कोट वॉज फाउंड, कोट ढूंढ लिया गया। Then the handkerchief, फिर दस्ती रुमाल, अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जी, was taken out, निकाला गया, दस्ती रुमाल है वो उसमें से निकाला गया, कोर्ट मिल गया था, कोर्ट में से निकाला गया। Half an hour was spent, आधा घंटा, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, was spent, खर्च हो गया, spent 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 मतलब कि खर्च हो गया। तो आधा घंटा, फिर देखिएगा जी, हाफ एन आवर, आधा घंटा, वाज स्पेंट, लग गया, खर्च हो गया, इन टाइंग अप, ये ट्राइंग नहीं है बेटा, ये टाइंग है, टी वाई आई एन जी, टाइंग अप मतलब बांधना, इन टाइंग अप हिज फिंगर, उसकी उंगली बांधने में आधा घंटा लग गया। अगेन, दोबारा, फिर से, द होल फैमिली इंक्लूडिंग द सर्वेंट, पूरे का पूरा खानदान, बशमूल इंक्लूडिंग, बशमूल द सर्वेंट, नौकर समेत, स्टूड अराउंड, खड़े हो गए, सेकंड फॉर्म में स्टैंड की, स्टूड अराउंड, दायरा बनाकर खड़े हो गए, अ सेमी सर्कल,
एक आधे दायरे में खड़े हो गए, रेडी टू हेल्प, रेडी मतलब तैयार, हेल्प मदद करने के लिए, तो दायरा बनाकर मदद करने के लिए खड़े हो गए। टू बॉयज हेल्ड द स्टूल, दो लड़कों ने पकड़ा, होल्ड हेल्ड, होल्ड की दूसरी फॉर्म है हेल्ड, दो लड़कों ने पकड़ा द स्टूल, उस स्टूल को, फॉर हिम उसके लिए, मतलब कि चचा के लिए उन्होंने इसको स्टूल को पकड़ के रखा। वाइल द थर्ड वाज हेल्प हिम अप ऑन टू इट, और जबकि तीसरा, वाइल द थर्ड वन, जबकि तीसरे ने, थर्ड वन, तीसरे ने हेल्प हिम, उसकी मदद की, अप ऑन टू इट, इसके ऊपर चढ़ने में, तीसरे ने उस चचा के स्टूल के ऊपर चढ़ने में मदद की, एंड हेल्ड, और पकड़ लिया हिम देयर, और चचा को वहां पकड़ लिया। तो दूसरी पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि दो ने स्टूल पकड़ा हुआ है और एक ने चचा को पकड़ा हुआ है, पहले जो उसने उसने मदद की चचा को ऊपर चढ़ने में, उसके बाद फिर उसने चचा को पकड़ लिया। आलिया हैंडेड हिम, आलिया ने पकड़ाया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हैंड मी या हैंड हिम उसको पकड़ाना, तो हैंड मी मुझे पकड़ाना, ठीक है, या हैंड यू आपको पकड़ाना, तो जहाँ पे जो लफ्ज़ लगेगा, यहाँ पर हैंड का मतलब क्या होगा, पकड़ाना, हाथ में कोई चीज़ देना। आलिया हैंडेड हिम अ नेल, आलिया ने उसे एक कील पकड़ाया, एंड लैला पास्ड हिम अ हैमर, और लैला ने उसे हैमर मतलब हथौड़ा दिया। ही हेल्ड द हैमर, उसने हथौड़ा पकड़ा इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड द नेल इन द अदर, और कील इन द अदर, दूसरे में मतलब के दूसरे हाथ में उसने कील पकड़ लिया। यू वुड थिंक दैट द जॉब वुड सून बी ओवर, आप सोच रहे होंगे, यू वुड थिंक, आप सोच रहे होंगे द जॉब वुड सून बी ओवर, के काम तो जल्दी खत्म होने वाला है या हो जाएगा, बट लेकिन क्या हुआ, ही ड्रॉप द नेल, उसने गिरा दिया, ड्रॉप का मतलब गिरा देना, ही ड्रॉप द नेल, उसने कील गिरा दिया, बिफोर ही कुड हिट इट, इससे पहले, बिफोर का मतलब इससे पहले कि वो इसको हैमर के साथ हिट कर सकता है, मार सकता है, तो इसको हैमर के साथ मारने से पहले ही नीचे गिरा दिया, विद द हैमर, विद द हैमर मतलब कि हैमर के साथ मारने से पहले ही नीचे गिरा दिया। देर नाउ द नेल हैज गॉन, देर नाउ द नेल हैज गॉन, अब नेल कहीं चला गया है, मतलब कि जो कील है, तो जो नेल है कील, वो कहीं गुम हो गया जी, ठीक है, देर नाउ द नेल हैज गॉन, अब नेल कहीं चला गया है कील। ही सेड इन एन इंजर्ड टोन, इंजर्ड टोन मतलब के गमजदा लहजे में, टोन लहजे को बोलते हैं कि आपकी टोन कैसी है। टाइम काफ़ी हो गया जी, मैं यहीं पर अभी इसको ख़त्म करूँगा, लेक्चर में तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, लेकिन चले अब थोड़ी सी एक दो लाइन रह गई हैं, इसको ख़त्म करते हैं, 10 मिनट तक जो है लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑल द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, तमाम दूसरे अफराद, मेम्बर्स अफराद ऑफ द फैमिली, खानदान के, क्विकली जल्दी से गॉट डाउन, नीचे झुके, ऑन देयर नीज, अपने घुटनों के बल, टू लुक फॉर इट, इसको तलाश करने के लिए, कील को तलाश करने के लिए वो अपने घुटनों के बल झुके। वाइल ही स्टूड ऑन द स्टूल, जबकि वो खड़ा रहा मतलब कि चचा खड़े रहे स्टूल के ऊपर, ग्रम्बलिंग अवे बुड़बुड़ाते हुए, ग्रम्बलिंग बुड़बुड़ाना, अपने मुंह में कुछ बातें कहते रहना। द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, आखिरकार कील मिल गया, एट लास्ट आखिरकार, फाउंड तलाश कर लिया गया, बट वुड यू बिलीव, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, द हैमर कुड नॉट बी फाउंड, जो हथौड़ा है वो अब नहीं मिल रहा। आप सोच रहे हो जल्दी काम खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी देर लगी उसको तलाश करने में कील को, जब तक कील मिला है तो अंकल के हाथ से कहीं हथौड़ा जो है वो गुम हो गया हुआ है। तो अफरा तफरी का आलम जो है आपको बताया था,
अंकल ने पैदा कर दिया हुआ है, और सारे के सारे घर को उन्होंने एंगेज किया हुआ है, किसी ने स्टूल को पकड़ा हुआ है, किसी ने अंकल को पकड़ा हुआ है, किसी ने नेल को, किसी ने हैमर को पकड़ा हुआ है, किसी ने पिक्चर को पकड़ा हुआ है। तो ये स्टोरी इसी तरह से आगे चल रही है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या हो रहा है जी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।